परसेंटेज यानी प्रतिशत ये हमने एक टुकड़ा ले लिया है बांस का, इसको जो पूरा ये है हमारा 10 मीटर का, इसका ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो ये कितने परसेंट हो गया? 10%। ये कितने हो गया? 30-20%। और ये 50%, 70%, 90% और 100%। तो परसेंटेज को आज और गहराई और बारीकी से जानते हैं, ताकि हमें किसी प्रकार से जो क्वेश्चन दिया जाएगा हम उसका आंसर निकाल सकें। ये तो एक उदाहरण पेश था। कोई बच्चे बोलते हैं कि मैं परसेंटेज समझ में नहीं आता। परसेंटेज होते हिस्सेदारी, 10 पार्टनरशिप यानी कि 100 का 10%, 20%। तो ये जो बांस का टुकड़ा हो गया इसका 10% ये हो गया और ये हो गया 20%। अब कितना हो गया ये इधर से 70%, 80% और ऊपर 20% और प्लस कर दिया तो कितना हो गया टोटल 100%। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे बड़ी बात याद रखनी योग्य बात यह है, परसेंटेज हमेशा 100% में ही निकलेगा। चाहे भिन्न पूछे, अनुपात पूछे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपको उसको 100%। और ये निशान कई बार क्वेश्चन में एग्जामिनर बड़ी मामूली सी बारीकी देता है, चार ऑप्शन दे दिए ए बी सी और डी, और जो हमारा आंसर माना हमारा आंसर 50 है, किसी भी सवाल का 50 ऐसे लिख दिया, 50% ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 20% और यहाँ पर लिख दिया 80%। सबसे बड़ी बच्चों गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि जो स्पीड से सवाल निकालते हैं उनको क्या दिखा, बी 50, आंसर क्या गया 50, वो 50 बी पे टिक करके आते हैं, क्योंकि परसेंटेज में परसेंटेज का निशान जरूर होगा। जब तक 50 के पीछे परसेंटेज का निशान नहीं होगा तब तक वो सवाल यानी कि वो उत्तर हमारा गलत होगा। सबसे जो ध्यान योग्य देने वाली छोटी छोटी बातें ही हमें जीत जलाती है। आइए टॉपिक पर, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारे जो चैनल का नाम है दोस्तों जुनून वर्दी का, यानी कि यूपी पुलिस की जो 26,000 प्लस पोस्ट निकली है, आने वाली है फॉर्म, उसमें हमें हमारी एक सीट पक्की करनी है, तो उसी हिसाब से हमने हमारे चैनल का नाम रखा है दोस्तों जुनून वर्दी का 2022। 2022 में हमें गवर्नमेंट जॉब पर लगना है। वर्दी से रिलेटेड जितनी भी जॉब होगी उसकी तैयारी हम आपको करवा रही है, और जो बच्चे हमारे साथ अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है और जो तैयारी कर रही है बच्चे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये हमारा चैनल है, एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हमारी कल वाली वीडियो जरूर देखना दोस्तों, तभी आपको ये सब कुछ समझ में आएगा आज का खेल। यदि किसी संख्या का 15% किसी संख्या का 15%
बराबर 20 यानी 15% बराबर 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा, उस संख्या का 60% कितना होगा, इसको फॉर्मूले से निकालोगे तो टाइम लग जाएगा। इसके पेयर बना लो, पेयर बना लिए हमने, पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह चौका साठ, बीस एकम बीस, बीस चौक अस्सी, इसका जो उत्तर आएगा वो 80 हो जाएगा। सवाल नंबर दो, इसी का दूसरा सवाल, यदि किसी संख्या का 20% 50 हो, किसी संख्या का 20% 50 हो तो 60 60% तो 60% कितना होगा, 20 एकम 20, 20 दिया 60 तो एक का तीन, इसका तीन गुना कितना हो जाएगा, 20 का तीन गुना 60 और 50 का तीन गुना 150। दोस्तों अगर ये आपका सवाल समझ में आ रहे हो तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक कर दियो, एक बार दोबारा देख लो, 20% का यदि किसी संख्या का 20% 50 हो, किसी संख्या का 20% 50 हो तो 60% कितना होगा, इसको पेयर बनाने के लिए आमने सामने लिखेंगे। दोस्तों अगर माना एक्स करके आप ये सवाल को करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें सवाल को खोलकर एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, हमें जो दिखाना है हमें हमारा सटीक उत्तर, कितनी जल्दी हम अपना सटीक उत्तर निकाल सकते हैं वो हमें देखना है, एग्जामिनर हमारी एक्यूरेसी दिखेगा कि बच्चे की एक्यूरेसी कितनी है, कितने सवाल किए इसने और कितने सवाल सही किए। एक्यूरेसी निकालने के लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि 4 से 5 महीने में यूपी पुलिस का एग्जाम होने की संभावना है। सवाल नंबर 3, किसी संख्या का 200% 200% किसी संख्या का 200% 140 हो तो उसी संख्या का 160% कितना होगा, परसेंट ज्यादा है नंबर कम है तो 200% का 140 और 160% का हो जाएगा 112। इसकी कैलकुलेशन करके ये आपके लिए होमवर्क है। बीच बीच में मैं आपको देखता रहूंगा कि आप हमारा सवाल कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इन तीनों सवालों में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में गजब है ऐसा है ना इस मत लिखे, आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए कि सर हमको तीसरे नंबर का सवाल समझ में नहीं आया या हमें 4 नंबर का सवाल समझ में नहीं आया। ये वे सवाल है दोस्तों जो पिछले 10 सालों से लगातार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप किसी भी वनडे एग्जाम की किसी भी मतलब एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, उसमें परसेंटेज का आपको इसी तरह का सवाल मिलेगा। यदि किसी संख्या का 22%, सवाल नंबर 4, यदि किसी संख्या का 22% 66 हो तो उस संख्या का 90% कितना होगा, उस संख्या कितना परसेंट 90 होगा, 22 एकम 22 22 66 तो 30
30 या 90, यानी कि 30% का 90 होगा। कुछ ये चार सवाल जो हमने कराए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब मिश्रित धातुओं के ऊपर सवाल, जो धातुओं के ऊपर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सवाल पूछे जाते हैं, वस्तुओं के ऊपर, धातुओं के ऊपर या मिश्रित सवाल होते हैं, तो हमारा सवाल नंबर पाँच, जो है हमारा वो देखिए, किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है, तांबा कितना है 12%। तो हमें जो है 69 kg तांबा यानी कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी। तो 12% बराबर होता है पूरा 100%, 100% प्राप्त करने के लिए तो 69 × 100/12, 4 से ये दोनों कट जाएंगे, 4 × 3 = 12, 25 × 100, और 4 से ही 69 कट जाएगा 23 बार, तो 23 × 25 हो जाएगा 575। पाँच सौ पचहत्तर किलोग्राम मिश्र धातु से 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 6, कितना अच्छा सवाल है। एक जो क्लास है ये हमारी एक क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है, जिसमें से 15% क्या है लड़कियां, गर्ल, और जो 35% है वो है बॉय। डायग्राम इस बना के इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ऐसे सवाल रीजनिंग में भी मिलेंगे। आपने ये सवाल याद समझ लिया ना, अगर रीजनिंग में आप पढ़ते ही आपको इस सवाल का क्वेश्चन कर दोगे। कक्षा में लड़कियों की, यानी कि लड़कियों की परसेंटेज निकाल ली है, लड़कियां कितनी है हमारी 15, टोटल कितनी है 50, परसेंटेज निकाल ली है 100 से गुणा, 50 × 100 यानी कि 30% क्लास में लड़कियां है और 70% क्लास में लड़के हैं। ये या तो इतना इस कर लो या यही से कर लो, इसको मानकर 50 × 100, 30%, 70%, ये ऐसी कैलकुलेशन भी बच्चे करते हैं जिनका माइंड बिल्कुल शार्प होता है, बिल्कुल जो प्रैक्टिस कर करके पिछले 3-4 सालों से प्रैक्टिस कर रही है, जहाँ सवाल देखा और सवाल का अश्चर्य उत्तर एकदम से निकाल दिया, 5 सेकंड में उत्तर निकाल दिया, 2 सेकंड में उत्तर निकाल दिया। तो ये इस तरह से वो बच्चे करते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से सवाल समझा दिया है दोस्तों। एक बार अगर आपको सवाल समझ में आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो दोस्त नए हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा दीजिए। एक कार का मूल्य 1,25,000 रुपये है, ये जो एक कार है इसका मूल्य 1,25,000 है। जो कार मालिक ने एक कार जो खरीदी है वो 1,25,000 में खरीदी है, उसने प्रॉफिट निकालने के लिए उसने 1,50,000 रुपए की जो है कार बेच दी है, तो मालिक ने कितना प्रॉफिट किया, कितना प्रॉफिट मिला है। कितने परसेंट प्रॉफिट मिला है,
तो इनमें अंतर कितने का है? 25,000 का प्रॉफिट कितने मिला? 1,25,000 पर, और गुना 100, तीन जीरो से, तीन जीरो गुना 25 25 25 125 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
यानी कि 20% की 20% का लाभ हुआ है, 20% की बढ़ोतरी हुई है, 20% एक्स्ट्रा पर इसने जो है वो बेनिफिट कमाया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सवाल नंबर हमारा है 9, सवाल नंबर 9, विवेक अंग्रेजी में 70% अंक प्राप्त करता है। विवेक जो है वो अंग्रेजी में 70% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है, तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि विवेक को अंग्रेजी में 100 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, विवेक को अंग्रेजी में 100 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। यदि अधिकतम अंक 400 हो, यानी कि अधिकतम अंक 400 हो, विवेक को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 100 × 400 × 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 25 × 100, यानी कि विवेक को 25% अंक की जरूरत थी। विवेक को अगर 25% अंक अधिक मिलते तो विवेक पास हो जाता। विवेक ने अंग्रेजी में 70% अंक, 400 में से विवेक को 70 अंक मिले हैं। अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, 30 अंकों से विवेक फेल हो गया है। तो दोस्तों 8 सवाल कर चुके थे हम, इसके बाद जो है हमारा 9वां सवाल है, किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, 40% घटाने पर 30 प्राप्त होते हैं, यानी कि 60% बराबर 30 और 100% बराबर कितना होगा। तीसम 30 × 30 = 60 और 2 × 5 = 50, सॉरी 100% बराबर होगा 50। समझ में आया कुछ के नहीं, किसी संख्या का उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, किसी संख्या यानी कि 100 में से 40% घटा दिया हमने, जो 60 बराबर जो हमें 30 प्राप्त हो गया। साठ बराबर अगर 30 है तो 100 बराबर कितना होगा, 50। पचास रेशो है ना, 1:2 का रेशो चल रहा है, सवाल नंबर 10।
की संख्या में 30% घटाने पर यानी कि 70% बराबर 119 और 100% बराबर कितना होगा, 70% बराबर 119, 100% बराबर कितना होगा, ये भी आपका होमवर्क है। इसका आंसर बताओ दोस्तों, सेम ऊपर वाला सवाल है, सेम सवाल होगा और 11 नंबर का सवाल भी सेम ही होगा। मासिक आय का 69% यानी कि 31% बराबर 930 रुपये। अगर 31% बराबर 930 रुपये है तो 100% बराबर कितना होगा, 31 + 93 और 30 × 30 = 100, 3000 रुपये। सवाल नंबर 12, पच्चीस परसेंट कर देने के बाद आय 7500 रुपये बचती है तो उसकी आय कितनी थी। तो 75% बराबर 7500 और 100% बराबर 10000। 10000 का 25% 2500 निकाल के 7500 रुपये 75% बचा था। सवाल नंबर 13, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़ाकर 12% बढ़ाकर 14 रुपये कर दी गई है। वृद्धि होने से पहले मजदूर की मजदूरी क्या थी, 14 × 12 = 100। चौदह आठ, आठ एकम आठ, आठ दूनी 16, 12.5 रुपये यानी कि 12.5% बढ़ाई तो 14 रुपये हो गई है। तो पहले कितनी थी, 12.5 रुपये थी यानी कि 1.5 रुपये बढ़ाई सैलरी। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 18% कमी होने पर 41 रुपये हो जाती है तो मजदूर की मजदूरी कितनी होगी, यानी कि 18% घटाने पर यानी कि 82% बराबर 41 रुपये, 100% बराबर क्या होगा, तो 41 × 100 / 82, 41 × 82 = 10 यानी कि 50। किसी मजदूर की मजदूरी 50 रुपये थी, 18% घटाने पर 41 रुपये हो गई है। आपको तीनों पॉइंट ऑफ व्यू देखने आने चाहिए है किसी सवाल के, तब तक आप ये तीनों चारों जितने भी पॉइंट सवाल में होते हैं, अगर आप सारे पॉइंट क्लियर नहीं करने जानते हैं तो आपको सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेहनत करो, जितनी करनी है मेहनत करो, जितनी करनी है प्रैक्टिस करो, एक एक सवाल को 10 से 15 बार निकालो, जब तक वो सवाल आपको 5 सेकंड
में नहीं हो जाता तब तक वो सवाल निकालते जाइए आप। एक एक एक्सरसाइज को 10 से 15 बार निकालो। टाइम बहुत है हमारे पास, 5-6 महीने का टाइम है और एक बुक में 30 से 35 एक्सरसाइज है। यानी कि अगर एक एक्सरसाइज एक दिन में क्लियर करते हैं तब भी एक बुक को क्लियर करने में भी 1 महीना लगता है, और 5 महीने में 5 बार हम एक बुक क्लियर कर देते हैं। एक 150 एक्सरसाइज मायने रखती है, 150 तो क्वेश्चन ही आने हैं। मेहनत करो, तरीके से करो, तरीका ही हम लोगों को जिता सकता है। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 10% कम होने पर 18 रुपये ज्यादा मजदूर की दैनिक, यानी कि 10% कम होने पर 90% बराबर 18 रुपये, और 100% बराबर तो 18 × 100/90, 18×5 = 20, 5×20, किसी मजदूर की मजदूरी 20, ₹20 थी, 10% घटाने पर 18 रुपये हो गई है। परसेंटेज की कल की क्लास और रहेगी है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट कीजिए, और जितने भी नए दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना यूथ पावर है, सुना है हमने, पूरी यूथ पावर है। बारह सवाल कल के एक्सरसाइज के बचे हैं दोस्तों, और आज की क्लास के यही समाज समाप्त हो